गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली हम लोग वापस से आ गए आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके। एक्चुअली ये मेरी यूट्यूब फैमिली का एक्चुअली बहुत फीडबैक आया था कि साइड बाई कपड़े का काफ़ी कुछ बना दिए लेडीज़ का जेंट्स का। तो वो रहे थे कि भाई अगर हो सके तो वीडियो इसकी चप्पल पे मतलब बूट वगैरह पे बनाओ। और मैं तो सुना मार्केट में बहुत अलग अलग पैटर्न आ गए अभी बूट आ रहे हैं, तो चलिए भाई देखिए। मैंने सोचा कि मार्केट को बुला के अपने को भी बुला के एक चप्पल का बूट का बना के बोल जाते हैं। वो भी चलते हैं गाइस, देखते हैं फिर शूज और चप्पल कैसे आई हुई है। चलो हाँ तो चलो फिर गाइस। तो फाइनली गाइज हम लोग मार्केट पहुंच चुके थे और ये देखिए हम लोग आ गए शॉप पे। और यहाँ आके मैंने माचे ने कुछ चप्पल वगैरह देखा और ये देखिए एक डायमंड वाली चप्पल एक्चुअली मुझे अच्छी लगी तो मैं सोचा ट्रायल करके देख लूँ। और मैंने उसको पहन के चेक किया और उसके बाद में फिर माचे ने बोला बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडी है, चमक रही है, तो मैंने वो ड्रॉप किया। मैं फिर वहाँ से देखा दूसरी चप्पल उठाया, वहाँ से देखिए जूते का कलेक्शन भी माशाल्लाह भाई की शॉप पर बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद में फिर हम लोग दूसरी शॉप पर आ गए और ये एरोसॉफ्ट की चप्पल थी। एक्चुअली मैंने जो ईद में कुर्ता सिलाया उसके लिए मैं अपने लिए चप्पल देख रहा था और सोचा कि मेरी यूट्यूब फैमिली को भी शेयर कर दूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे जो फॉलोअर्स है जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने बोला कि साहिल भाई एक चप्पल और जूते पे भी ब्लॉग बनाओ। तो मैं पहुंच गया मार्केट और यहाँ देखिए माचे को भी कोई चप्पल पसंद आई और माचे ने बोला वो वाली निकाल के पहन के चेक करो। तो मैंने भैया को बोला लेकिन भैया एक्चुअली वो थोड़ा कन्फ्यूज थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चप्पल निकालना है। तो मैंने ऊपर हाथ दिखाया, उसके बाद में फिर मैं बोला चलो जाने दो, भैया को समझ में नहीं आया तो मैं आगे निकल गया। वहाँ से फिर दूसरी शॉप पर आया, वहाँ भी मैं देख रहा था, कोशिश कर रहा था कि कोई चप्पल पसंद आ जाए तो ले लूँ अपने लिए परचेस कर लूँ। और यहाँ भाई के पास मुझे कलेक्शन बहुत अच्छा लगा, लेदर की बहुत अच्छी अच्छी चप्पल थी, कुर्ते के लिए सैंडल बहुत अच्छी थी, जूते बहुत अच्छे थे, चप्पल बहुत अच्छे थे। इसके बाद में एक चप्पल मुझे पसंद आई ब्राउन कलर की, मैंने उसको हाथ में लिया और मैं सोचा वो देखूँ पहन के, लेकिन मेरे को एक्चुअली वो जम नहीं रही थी, बहुत अनकम्फर्टेबल लग रही थी, तो मैंने वो चप्पल को ड्रॉप किया। उसके बाद में मैं दूसरी शॉप पर आ गया, वहाँ मैंने एक जूता देखा वो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने उसको सोचा पहन के दिखा दूँ मेरी यूट्यूब फैमिली को भी। और देखिए मैंने शूज़ पहन लिया है, थोड़ा डायमंड्स वगैरह लगे हैं, पार्टी वेयर है, तो मैंने ऐसे ही उसको पहन के चेक किया। उसके बाद मैंने एक रेड कलर का लोफर उठाया वो भी मैंने पहन के चेक किया, मैंने सोचा मेरी यूट्यूब फैमिली को भी दिखा दूँ। एक्चुअली ईद की शॉपिंग चल रही है तो जो लोग को चप्पल और शूज़ वगैरह लेना है वो आ सकते हैं मोहम्मद अली रोड पायरूनी मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ बॉम्बे की। देखिए इसके बाद में मैंने एक सैंडल उठाया जो कुर्ते के लिए बहुत बेहतरीन थी, कलर भी बहुत औसम था, मैंने उसको भी पहन के चेक किया। उसके बाद में मुझे वो बहुत टाइट लगने लगा तो मैंने ड्रॉप किया। फिर मैंने ये शूज़ लिया, ये थोड़े पार्टी वेयर शूज़ थे। देखिए मैंने कोशिश किया मेरी यूट्यूब फैमिली को दिखाने वन बाय वन और मैंने मेरी यूट्यूब फैमिली को दिखाने के बाद में उसको रख दिया। फिर मैं दूसरी शॉप पर आ गया, वहाँ मुझे कुछ सैंडल्स अच्छी लगी, लेदर था, प्योर लेदर था, भाई की शॉप पे कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, तो मैंने एक एक करके सब उठाया और कोशिश किया कि मेरी यूट्यूब फैमिली को भी दिखा दूँ कि उनको भी ईद की शॉपिंग करना है तो वो आके यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ने एक्चुअली सोचा कि ये वाइट कलर की चप्पल भी बहुत अच्छी लगी मुझे, मैंने ये भी उठाया, ये भी चेक किया, ये भी कोशिश किया दिखाने की यूट्यूब फैमिली को। और उसके बाद हम लोग आगे आ गए, यहाँ भी चप्पल के कलेक्शन बहुत अच्छे लगे मुझे। एक ये स्टोन वाली चप्पल थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा पहन के देखूँ। पहनने के बाद में मुझे ये भी बहुत पसंद आई लेकिन मैंने वो नहीं लिया और मैं फिर आगे आ गया सैंडल देखने के लिए, तो सैंडल में मुझे इतने कलेक्शन अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैं सोचा चलो ये वाली शॉप पे चल के देखते शायद कुछ अच्छा लगेगा तो अपने कुर्ते के लिए ले लूँगा। माचे को भी लेना था, अब्दुल को भी लेना था, तो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे चप्पल और शूज़ की मार्केट। तो हम लोग को एक्चुअली कोशिश यही थी कि मेरी यूट्यूब फैमिली को भी मैं शेयर करूँ बताऊँ। और इसके बाद में फिर हम लोग वापस से आगे वाली शॉप, चप्पल की एक्चुअली बहुत बड़ी मार्केट है, साइड साइड में हर एक जगह शॉप लगी हुई है, चप्पल का सेल भी लगा हुआ है, चप्पल के न्यू कलेक्शन भी आए हुए हैं। और ये चिनोज़ है, चिनोज़ भी मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैं सोचा मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं शेयर कर दूँ। और देखिए फिर मैंने उसको उठा के वहीं रख दिया। उसके बाद में फिर हम लोग आगे आ गए और देखिए हम लोग मोहम्मद अली रोड से निकल के इधर सैफ्रन मार्केट है जो भिंडी बाज़ार में, भिंडी बाज़ार के आगे, उसके आगे हम लोग ये मार्केट में आ गए। ये सैफ्रन मार्केट है, ये देखिए मैंने सोचा कि अगर चप्पल का दिखा रहा हूँ तो मैं एक्चुअली बच्चों के भी मैंने सोचा कि मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर कर दूँ। 100-100 रुपये का सेल लगा हुआ था बच्चों की चप्पल का, लास्ट एंडिंग रमज़ान है तो एक्चुअली यहाँ सेल काफ़ी लगा। ये देखिए कोल्हापुरी बच्चों की जो कुर्ते हुए पहन सकते हैं। उसके बाद में मैंने सोचा कि लेडीज़ चप्पल भी मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं शेयर करूँ क्योंकि मेरे लेडीज़ सब्सक्राइबर भी है, वो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो ये चप्पल का भी सेल लगा हुआ था। 150, 200, 250, 300 ऐसे ऐसे प्राइजेस थे, चप्पल्स वगैरह बहुत अच्छे लगे मैं, वो कलेक्शन एक नंबर रहा। उसके बाद हम लोग गुलशन ईरान पे आ गए, गुलशन ईरान होटल वहाँ की बहुत फेमस है। उसके बाद में बच्चों के कलेक्शन देखिए औसम कलेक्शन थे, इसके लिए मैंने सोचा मैंने वीडियो में ले लेता हूँ। और ये देखिए मेरे हाथ में जो शूज़ है ये एकदम ही एंटिक शूज़ लगा मेरे को, लाइट वाले शूज़ लगे, तो मैंने ये भी वीडियो में कैप्चर कर लिया। मैं सोचा मेरी यूट्यूब फैमिली देखेगी और देखिए बहुत अच्छा था और एक्चुअली प्राइस भी ज़्यादा महंगा नहीं था,
300 से 400 रुपया स्टार्टिंग प्राइस थे। जैसा जो मॉडल रहेगा, जैसा जो साइज़ रहेगा, वैसा यहाँ ये लोग सेल कर रहे थे। उसके बाद हम लोग को भूख लगी और हम लोग आ गए इधर भाईजान की शॉप पे, जो बहुत फेमस है मुसाफिर खाना पे। तो हम लोग ने एक्चुअली थोड़ा पेट पूजा किया, थोड़ा खाए पिए, मस्ती किए, एंजॉय किए। माचे और मैंने, अब्दुल ने कबाब पाव वगैरह जो था वहाँ का, सीख पाव वगैरह जो था वहाँ का, जो मतलब फेमस चीज़ें थी, हम लोग वो खाया। और माचे देखिए माशाल्लाह, माचे को कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी तो उसने रोल भी ऑर्डर किया और यहाँ माचे रोल खा रहे हैं और अब्दुल भी रोल खा रहा है। तो मैं भी एक्चुअली खा के फारिग हो गया और उसके बाद में मेरे को प्यास लगी और उसके बाद में आया, मैं मोहब्बत शरबत पिया, जूस पिया। जूस भी माशाल्लाह बहुत औसम लगा मेरे को वहाँ का, बहुत मतलब फेमस जूस है वहाँ का, मोहब्बत नफ़रत है। उसके बाद में हम लोग वापस से कंटिन्यू शॉपिंग किए, मार्केट आ गए। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत फेमस है बॉम्बे में, बादशाह करके शॉप है जो मतलब यहाँ मस्जिद बंदर स्टेशन के थोड़ा नियर बाई है। इनके कलेक्शन बहुत औसम होते हैं, ईद के कलेक्शन बहुत बेस्ट होते हैं। तो देखिए इनकी चप्पल की, इनके शूज़ की वैरायटी मैंने कोशिश किया जितना ज़्यादा हो सके वीडियो में लेने की, तो जितना हो सका मैंने उसको एक्सप्लोर किया। उसके बाद में फिर मैं आगे आ गया और फिर अब्दुल को बोला, अब्दुल चलते अंदर देखते। तो अब्दुल बोला नहीं भाई, लेट ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ से अभी अपने को निकलना पड़ेगा। तो हम लोग घर के लिए निकल चुके थे। देखिए यहाँ की ट्रैफिक माशाल्लाह, रमज़ान करीम है, रात का 3 बज चुका है और हम लोग यहाँ अभी यहाँ से निकल रहे हैं। और ये मेन पॉइंट है मीनारा मस्जिद का, अभी हम लोग मीनारा मस्जिद पहुँचे हैं। मीनारा मस्जिद में रश देखिए, रमज़ान करीम है, देखिए माशाल्लाह मीनारा मस्जिद आ चुकी है और रश देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी रश है। बहुत ज़्यादा क्राउड था, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि मेरी यूट्यूब फैमिली को भी शेयर करूँ, बताऊँ उसको। और देखिए ये सब लेडीज़ मार्केट है, ये मैं बाइक पे बैठे हुए वीडियो निकाल दे रहा हूँ और दिखा रहा हूँ सबको। तो आप कॉपरेट करिए, देखिए जितना ज़्यादा हो सके मैंने वीडियो में कोशिश करा लेने की। कुर्तेज़ के, बुरखा के, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स वगैरह के काफ़ी बड़ी मार्केट लगी हुई थी, जो हमेशा हर साल रस्ते में लगती है, सेल लगता है एक्चुअली वहाँ, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए सेल लगाते भाई लोग। और देखिए अभी हम लोग भिंडी बाज़ार पहुँच गए और ये हम लोग भिंडी बाज़ार मेन जंक्शन पे है और यहाँ से अभी हम लोग का घर जाने का। तो माशाल्लाह फाइनली हमारी जो चप्पल की शॉपिंग थी, जो हमारा जो ब्लॉग था, जो हमने सिर्फ पर्सनली मेरे व्यूवर्स के और जो मेरी यूट्यूब फैमिली ने बोला था मुझे कि साहिल भाई चप्पल और जूते को एक्सप्लोर करो ईद का टाइम है, तो मैंने मेरा जो वीडियो है सिर्फ चप्पल और जूते पर बनाया है। जितना मेरे से हो सका मैंने उतना वीडियो बनाया है, वो आपको माशाल्लाह पसंद आएगा। और मैं अभी मेरा वीडियो यहाँ एंड करता हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली घर भी जाना है और काफ़ी क्राउड भी हो गया है। तो एक और चीज़ मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आपका जो प्यार है माशाल्लाह ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही मेरे चैनल को आप माशाल्लाह आगे बढ़ाइए। और जल्दी मेरे 2K होने वाले माशाल्लाह, जितने ज़्यादा लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं माशाल्लाह, उसको मेरा लव यू हमेशा। और इंशाल्लाह चलिए फिर मैं अपने स्टाइल में मेरा वीडियो यहाँ बंद करता हूँ, एंड करता हूँ। दुआओं में याद रखे, रमज़ान करीम मुबारक, माह रमज़ान मुबारक और माशाल्लाह अलविदा जुमा मुबारक। तो चलिए मेरे स्टाइल में दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर कमेंट करिए और चलिए फिर बूम, अस्सलाम वालेकुम।